माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ टमाटर के पौधे हैं और इनकी ग्रोथ बाहर से देखने में कम्प्लीटली हेल्दी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है। बट इसमें अगर हम फ्लावर्स को देखेंगे तो फ्लावर्स के नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लावर है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लावर है, उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर्स हैं। तो हमारे पास ये तीन पौधे हैं, तीनों में खूब ढेर सारे फ्लावर्स हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक भी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इनको टच करते ही ये आसानी से पट से टूट जा रहे हैं और टूटने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से टूट के सारे फ्लावर्स झड़ जा रहे हैं। बाहर से देखने पर दोस्तों ये पौधा कम्प्लीटली हेल्दी है, इसी को हम ट्रीट करने वाले हैं ताकि इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो रुकें और इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो, टमाटर लगे। तो आइए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स को देखना है। इसमें नीचे बहुत ढेर सारी ब्रांचेस की ग्रोथ हो गई है और इसमें आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पत्तियां भी हैं जो कि देखने में काफ़ी हेल्दी हैं। तो हमें इसमें बीच में, पौधे के बीच में और नीचे जितने भी इस तरह की लीव्स हैं सबको हम रिमूव कर देंगे एक एक करके। दोस्तों, लीफ को हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि प्रॉपर एरेशन हो। पौधा देखने में हमारा काफ़ी घना है, जब पौधा घना होता है हवा प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होती है तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होता और फ्लावर्स होते हैं वो अबॉर्टिव हो जाते हैं और सूख जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें नीचे जितने भी ब्रांचेस हैं सबको हमने कट करके हटा दिया है नीचे से, सिर्फ ऊपर की ब्रांच है ताकि इसकी ग्रोथ ऊपर हो और प्रॉपर इसमें एयर का वेंटिलेशन होता रहे, फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो और फ्रूट का फॉर्मेशन हो। अब दोस्तों, हम जो सेकेंड ट्रीटमेंट अपने इन टमाटर के फ्लावर्स को रोकने के लिए करने वाले हैं वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे। बाहर से देखने में पौधे तो बहुत हरे भरे लग रहे हैं लेकिन हो सकता है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम होती है, उसकी डिफिशियंसी हो। दोस्तों, आप मार्केट में जाएंगे या किसी सीड वाले या खाद की दुकान पे जाएंगे और आप अपनी इस प्रॉब्लम को बताएंगे तो वो आपको इस तरह का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का या ऑर्गेनिक एसिड का सोल्यूशन दे देगा और उसके साथ साथ आपको फफूंदनाशक और कीटनाशक भी दे देगा। लेकिन आपका पौधा जब इस तरह से हेल्दी हो तो आपको इसमें किसी भी तरह के कीटनाशक या फफूंदनाशक को डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख लीजिए कहीं कोई बीमारी बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो आप बस इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ख़रीद लें। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, ये हमारी अपनी ज़रूरत है इसलिए मैं इसको ख़रीद करके लाया हूँ। आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख सकते हैं, इसमें आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और बोरॉन है। दोस्तों, स्प्रे करने के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख लीजिए और जो भी आप खरीद के ला रहे हैं उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर कितने पानी में इसको घोलना है और कितने डोजेस इसके देने हैं, कितने दिन के इंटरवल्स पे देने हैं, वो आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आप इसका सलूशन बना लीजिए। हमारे पौधे छोटे हैं इसलिए हम इसको छोटी स्प्रेयर की बॉटल में भर के स्प्रे कर रहे हैं। अमूमन दो या तीन स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, दो या तीन स्प्रे में आपका पौधा कम्प्लीटली हेल्दी हो जाता है और इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं वो रुकने लगते हैं। तो हम बहुत फाइन मिस्ट इसका बना लिए हैं और बनाने के बाद, चूँकि फोलियर स्प्रे है तो हमें पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करना है। दोस्तों, छिड़काव करने के लिए आपको जो टाइमिंग रखनी है वो या तो अर्ली मॉर्निंग में आप रखें या जब शाम होने वाली हो, दिन ढलने वाला हो, तब इसका स्प्रे करें। दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किए हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं लेकिन देखने में पौधे को ऐसा लग रहा है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी थी पौधे में वो करेक्ट हो रही है और अब आप देख सकते हैं इसमें टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एक सिंगल टमाटर है, आप इसको देख सकते हैं, ये पहला फ्रूट है जो कि फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा आप इस ब्रांच में भी देख सकते हैं, दो फ्लावर्स तो गिर गए हैं बट एक फ्लावर रुक गया है, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ ऊपर एक और फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, भले ही हमारे इस पौधे में ऐसा लगता है कि जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी थी वो कम हो गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 दिन हो गया है, एक बार और अपने इस माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे को रिपीट कर देंगे और इसके अलावा 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद एक बार फिर से हम तीसरी बार इसको रिपीट कर देंगे। दोस्तों, उस पर भी अगर ऐसा लगता है कि हमारे पौधे में कोई प्रॉब्लम है तो फिर से हम उसमें इस न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन को रिपीट कर देंगे और रिपीट करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारा पौधा हरा भरा रहेगा, ढेर सारे इसमें फ्रूट्स आएंगे और जितने भी फ्रूट्स होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे और बड़ी साइज़ में होंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आपको अपने किसी भी पौधे में समझ में आती है, उसका सलूशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इस तरह की ढेरों वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसको देखने के लिए हमारा चैनल गार्डन ग्रो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।